इक्वल टू आपके पास क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जी मर्जी आप बोलो बेटे, क्या कह रहे थे, कैसे करूं इसको। हाँ भाई कौन बताएगा, एन को इक्वल टू 0 कर देंगे तो उसके बाद वाला फिर नेगेटिव एन हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 0 क्यों लूं भाई मैं, क्या इसमें कोई एन एट टर्म 0 आएगी। हमें पता है कि एन एट टर्म हमारा 0 होना है, जो आप 0 ले रहे हो। सर जी बोलिए मर्जिया जी, आइए सर ध्यान से देखिए, ना तो यहाँ एन दिया हुआ है ना यहाँ वैल्यू दी हुई है। सब बच्चे जरा ध्यान से समझ लीजिए, हमारे पास ये तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा 121 है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डी हमारा यहाँ कितना है, 4 है या -4 है। माइनस माइनस में डी आएगा तभी आपका टर्म नेगेटिव आना है बेटे, अदरवाइज आएगा ही नहीं। अब हमसे कह रहा है विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमें नहीं पता कि वो टर्म क्या होगा, बस हम ये सपोज कर सकते हैं कि लेट आवर nth टर्म इज नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव। अब नेगेटिव टर्म किसे कहते हो आप, माइनस वाले को 0 लेस देन ठीक है, तो nth टर्म हमारा हो जाएगा लेस देन 0। ध्यान से देख लीजिए, तो जो लेस देन 0 होगा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो उसके बाद ये सारे टर्म। तो जरा एनए टर्म का फॉर्मूला रखिए सब बच्चे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस ठीक देन 0। ए हमारा है 121, एन हमें मालूम नहीं है, डी हमारा है -4 लेस देन 0। 121 -4n प्लस 4 लेस देन 0, 125 -4n लेस देन 0। सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए इधर, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ये जो आपके पास साइन है लेस देन का, ये इनइक्वालिटी साइन है। हमने अब तक पढ़ा है इक्वेशन, इक्वालिटी इज इक्वल्स टू, बट अब हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है 11th में, तो बस उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो समझ लीजिए। अगर आप इसमें बेटे 4n को इधर ले गए तो ये ऐसे आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 125 बाई 4 क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 तो फिर आएगा 2, 4 2 जा 4, 5 जा 20 समथिंग, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 आया ना, तो 4 2 जा 8 नॉट 5, 4 2 जा 8 4 5, तो नियरली 31.25। तो इससे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ रहा है एन मस्ट बी मोर देन 31.25। हाँ भाई एन की वैल्यू कितनी आई है, एन इज मोर देन, 31.25 अब एन हमारा है क्या, कोई बच्चा बताएगा मुझे एन हमारा क्या है सर। एन हमारी है बेटे पोजीशन, आपसे ये कह रहा था ना विच टर्म इज लेस देन 0, तो पोजीशन क्या फ्रैक्शन में या डेसिमल में होती है, नहीं होता सर। ना। तो अब आपको सोचना है कि 31 के बाद इंटीजर क्या आता है, तो 31.25 के बाद इंटीजर जो होता है वो 32 होता है, क्या होता है, तो 32 इसका मतलब 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव। इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो नेगेटिव ही आएंगी, बट 31.25 के बाद एग्जैक्ट इंटीजर जो आ रहा है नेक्स्ट वो 32 होता है, तो 32 टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर आप में से किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिखा, आप ले गए एन 125 को इधर, कर सकते हैं ना इस तरह से भी। हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं ना। यस सर अब अगर आप इसको ऐसे ले गए तो ध्यान से देखो फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल और एन इज लेस देन 125 बाई 4
और लेस देन 125 बाय 4 अभी मैंने डिवाइड किया वो आया 31.25। अब आप कह रहे हो कि n 31.25 से छोटा होना चाहिए, तो 31.25 से छोटा तो सीधा सीधा 31 ही होता है इंटीजर, तो यहां आंसर मेरा आ रहा है 31 और लेफ्ट साइड में मेरा आंसर आ रहा है 32, जबकि कैलकुलेशन आपके हिसाब से मैंने एक सा ही किया है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मर्जिया जी समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम है या नहीं है पहले तो ये बताओ, बोला करो ना। प्रॉब्लम है ना, तो बेटे हुआ क्या है, गड़बड़ हमने एक जगह करी है, गड़बड़ हमने माइनस से माइनस जो कैंसिल किया है। यस, अब आप सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, इनइक्वालिटी के अंदर जैसे ही माइनस कैंसिल करोगे तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का डायरेक्शन होता है इसको रिवर्स कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर दोगे, रिवर्स ये कैंसिल भाई एक्चुअली कर क्या रहे हैं, दोबारा से देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन को दोबारा से देखिए, एक्चुअली होता क्या है, आपने क्या किया है, आप माइनस फोर से डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी में जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे ये डायरेक्शन चेंज हो जाना है, तो इसका मतलब लेस देन की जगह अब इसको कर देना है मोर देन, क्या कर देना है, मोर देन, जैसे ही आपने डिवाइड किया बाकी तो सब सेम ही था, अब आप कैंसिल करो माइनस से माइनस, अब आप वही सॉल्व कर रहे हो जो अभी तक आपने किया है, n इज मोर देन 31.25 तो n इज इक्वल्स टू 32, अब तो सही आंसर। तो बस ये ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो डायरेक्शन चेंज कर दो, रीजन भी सुन लो क्यों होता है। आप सारे बच्चे बताओ मुझे कि माइनस थ्री माइनस टू से छोटा है या नहीं, माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू। अब अगर आपने बेटे बगैर डायरेक्शन चेंज करे माइनस कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आ गया, थ्री इज लेस देन टू, ग्रेटर कहां से आया, थ्री इज लेस देन टू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स, ऊपर वाला तो ट्रू था कि माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू, लेकिन अगर आप माइनस कैंसिल कर रहे हो बोथ साइड बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो तो नाउ स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। तो जैसे ही आपने माइनस कैंसिल किया तो आपको करना क्या चाहिए था, आपको डायरेक्शन चेंज करनी थी, क्या चेंज करनी थी, डायरेक्शन, तो क्या हो जाना चाहिए था, थ्री इज मोर देन टू। अब समझ में आ गया? Yes, sir. तो प्लीज ये था आपका चैप्टर 5, दोबारा से फिर देख लीजिए, कल हमारे पास क्या है, थर्सडे। अब बचा बताओ स्टेमिना बचा है या कल का ऑफ कर दूं?